सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल प्रॉपर्टी गाइस गुड़गांव। मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। सो गाइस, आज आपको एक बढ़िया शानदार बिल्डर फ्लोर दिखाने लेके आया हूँ जो कि सेक्टर 57 की प्राइम लोकेशन पे है। सो राइट नाउ आई एम एट सेक्टर 57 नियर टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एंड हांगकांग बाजार। सो दिस इज द प्राइम लोकेशन ऑफ गुड़गांव। सो गाइस, आज मैं आपको एक 263 गज का 4 BHK या फिर आप 3+ किड्स रूम प्लस सर्वेंट का एक बढ़िया ही अल्ट्रा लग्जरी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और इंटीरियर के साथ बिल्डर फ्लोर दिखाने लेके आया हूँ। सो बिना किसी देरी के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी मैं आपको स्टार्टिंग पे एंट्री से दिखा देता हूँ। सो दिस इज द गाइज लॉबी एरिया। आप लॉबी भी देख सकते हैं कितना इन्होंने शानदार लाइटिंग का वर्क किया हुआ है। एंड जो इन्होंने कॉमन एरिया में भी दे हैव यूज द ग्रेनाइट मार्बल। सो यहाँ से हम एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही हमारा एक अच्छा डिजाइन डोर आ जाता है, मेन डोर। इसी को गाइज अब बंद करते हैं। सो इसी के एंटर करते गाइज हमारा सामने एक स्पेशियस लिविंग एरिया आ जाता है विद योर फॉल सीलिंग लाइटिंग एंड टीवी कैबिनेट कम्प्लीट। सो आप देख सकते हैं एक अच्छा स्पेशियस जो है लिविंग एरिया मिल रहा है हमें। आपका 6-8 सीटर जो है सोफा आराम से सेटअप हो जाएगा। लिविंग एरिया के जस्ट राइट साइड में जाते ही हमें एक ब्यूटीफुली जो है डिजाइन डाइनिंग एरिया मिल जाता है विद योर ऑल फॉल सीलिंग शैंडलर वर्क डन। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना इन्होंने अच्छा जो है लाइटिंग का सारा काम किया हुआ है। डाइनिंग एरिया के गाइस जस्ट साथ में जाते ही हमें एक फुली मॉड्यूलर किचन मिल जाती है। सो दिस इज गाइस योर फुली मॉड्यूलर किचन विद योर क्लैन चिमनी होप। आप देख सकते हैं दिस इज योर पेंट्री एरिया। पेंट्री के साथ दे हैव गिवन द माइक्रोवेव एरिया। अगर आगे चलते हैं द ऑल सीपी फिटिंग्स आर ऑफ जैगवार ब्रांड। आप देख सकते हैं इन्होंने जो है किचन का भी काम कितना अच्छा किया हुआ है। सो आप देख सकते हैं पूरी एक स्पेशियस जो हमें किचन मिल रही है और ये आपका और हमारा जैसे स्टोरेज स्पेस हो गया। काम इन्होंने अच्छा किया अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखते हैं ना। एंड गाइस, इसी के साथ हमें आगे जाती एक हमारी पूरी रनिंग बालकनी मिल जाती है। सो दिस इज द गाइज योर रनिंग बालकनी। आप देख सकते हैं एक अच्छी लेंथ में रनिंग बालकनी है जिसमें स्पेशियस भी है। अगर आप यहाँ पे शाम को बैठना चाहते हैं, कोई सिटिंग स्पेस बनाना चाहते हैं, सो यू कैन क्रिएट आउट अ सिटिंग स्पेस हेयर, या कोई आप बारबेक्यू टाइप सेटअप करना चाहते हैं। और यहीं पे अगर आप सामने देख रहे हैं तो सामने हमारा जो है सेक्टर 57 का पूरा एक मेंटेन पार्क भी आ जाता है। सो आइए मैं एक बार इसको आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। डाइनिंग एरिया के गाइस जस्ट साथ में जाते ही वी एंटर टुवर्ड्स आर फर्स्ट बेडरूम। सो यहीं से हम हमारे फर्स्ट बेडरूम में एंटर कर रहे हैं। एंटर करते ही हमें दो फुल साइज की जो है कैबिनेट मिल जाती है। सो आप कह सकते हैं इन्होंने मतलब बेडरूम का भी आप देख सकते हैं फोयर एरिया को एज ए कैबिनेट एरिया यूज किया हुआ है। सो दैट हमारा जो है बेडरूम में एक फुल साइज का स्पेस अवेलेबल रहे। आप देख सकते हैं इन्होंने सभी बेडरूम्स में जो फॉल सीलिंग का डिजाइन कोई नॉर्मल बिल्डर फ्लोर से पूरा एक अलग ही टाइप में डिजाइन किया हुआ है। ये सेम हमारी रनिंग बालकनी आ गई जो मैंने आपको किचन के साथ दिखाई थी। एंड दिस इज गाइस योर अटैच वॉशरूम विद ऑल द जैगवार फिटिंग्स। एंड ये आपका जो है बाथरूम का पार्टीशन आ गया इसमें जो आपको सारा ग्लास मिरर लगा के दे रहे हैं। ग्लास भी ऐसा नहीं है नॉर्मल वाला, लाइटिंग वाला जिसमें देखिए आप जो अच्छा वर्क इन्होंने सारा किया हुआ है। आइए चलिए मैं आपको सेकेंड बेडरूम की तरफ दिखाता हूँ। एंटर करते गाइस ये हमारा आप देख सकते हैं पूरा एक फोयर एरिया आ गया। फोयर एरिया में भी देख सकते हैं दे हैव डन द लाइटिंग वर्क। एंड इसी के साथ में गाइस दिस इज द पाउडर रूम। सो अगर आपका कोई गेस्ट आ रहा है सो दे कैन यूज। सो आप देख सकते हैं 3 BHK के अलावा 3 बाथरूम एंड 4th बाथरूम दे हैव डन अप द पाउडर रूम एज ए। एंड दिस इज गाइस योर किड्स बेडरूम। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना 3+ जो है किड्स बेडरूम का एरिया है। सो आप इसको ऐसे अपना या कोई स्टडी रूम या कैसे भी आप अपना स्टोर रूम किड्स रूम यू कैन कन्वर्ट इट अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस। नाउ दिस इज गाइज योर सेकेंड बेडरूम। आप देख सकते हैं सभी बेडरूम में इन्होंने अच्छे से काम किया हुआ है। एंड सेम 2 फुल साइज कैबिनेट विद योर मोशन सेंसर लाइट। सो आप देख सकते हैं सारा काम है। एंड दिस इज गाइज सेम अटैच वॉशरूम। आप एक और वॉशरूम भी देख सकते हैं जो सभी साइज के वॉशरूम में इन्होंने एक एडिक्वेट साइज के वॉशरूम दे रखे हैं जिसमें पूरा ग्लास वर्क भी अच्छा तरीके से करके दे रखा है। दिस इज गाइज बैक साइड बालकनी। ये मैं आपको जो है नेक्स्ट बेडरूम से दिखाऊंगा। ये भी हमारी पूरी एक रनिंग बालकनी है। सो गाइज दिस इज द 3rd बेडरूम। आप देख सकते हैं इसमें भी सारा काम किया हुआ है। जो सभी बेडरूम के आप साइजेस देखेंगे तो एक आप अपना किंग साइज का बेड बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। एक अच्छा स्पेस मिल रहा है। करते ये हमारा सेम ऐसे ऐसे ड्रेसिंग एरिया आ गया। इसका ड्रेसिंग एरिया के जस्ट साथ में यू गेट अटैच वॉशरूम।
विद ऑल सेम योर ग्रेनाइट मार्बल योर बाथरूम फिटिंग गीजर एंड ऑल्सो सारा आप देख सकते हैं कि आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। एंड दिस इज़ द गाइस बैक बालकनी। बैक बालकनी में भी कंपनी ने जो है ये सारा हमें जो है नेट विंडो ग्लास विंडो लगा के दे रखी है। सो टू साइड ओपन यूनिट है गाइस, प्रॉपर वेंटिलेशन। आइए एक बार आगे चलते हैं फिर हम बात करते हैं। सो गाइस दिस इज द स्टिल्ट एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट। सो आप देख सकते हैं यहाँ सभी जो है फ्लोर्स के लिए दे हैव प्रोवाइडेड सेपरेट गेट एंट्री एंड पर फ्लोर यू गेट टू कार पार्किंग एट द स्टिल्ट लेवल। सो आप देख सकते हैं स्टिल्ट एरिया भी इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ आप देख सकते हैं। सो दिस इज द गाइज लिफ्ट लॉबी एट द ग्राउंड फ्लोर। सो यहीं से अगर हम आगे चलते हैं दिस इज गाइज योर एंट्रेंस डोर। सो यहीं पे जो है आपका वीडियो डोर फोन लग जाएगा, वो अभी लगा नहीं है। सो यहीं से एंटर करते ही हमारा जो है ग्राउंड फ्लोर की लिफ्ट लॉबी आ जाती है स्टिल्ट लेवल की। आप देख सकते हैं लिफ्ट लॉबी में भी इन्होंने कितना अच्छा काम किया हुआ है। स्टेयर्स में भी दे हैव डन अप द लाइटिंग वर्क। सो आइए एक बार मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ फिर हम आगे बात करते हैं कि क्या इसकी लोकेशन आ रही है। वैसे भी मैंने आपको थोड़ा वो तो दिखाई दिया, अभी सेक्टर 57 की लोकेशन है तो कितना प्राइम एरिया है, मतलब आसपास हमारा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आ गया। इफ़ यू नीड स्कूल, स्कूल्स आर नियर, यू गेट हॉस्पिटैलिटी, यू गेट मॉल्स कमर्शियल एंड योर एक्सटेंशन रोड, इवन योर गोल्फ कोर्स रोड इज जस्ट 1.5 to 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस लोकेशन। सो आइए चलिए एक बार ऊपर चलते हैं फिर हम बात करते हैं। तो भाई जैसा कि अभी आपने देखा मैंने आपको जो है ये 3 BHK का एक्चुअल जो है बिल्डअप फ्लोर दिखा दिया जिसमें आपको जो है 3 BHK हो गया। यू गेट फुली मॉड्यूलर किचन विद योर क्लेन चिमनी होप। एक आपका जो है किड्स रूम एंड यू गेट अ सर्वेंट रूम एट द स्टेट लेवल। आप देख सकते हैं इन्होंने जो है सारा प्रीमियम काम कराया हुआ है। दिस इज़ गाइज योर इम्पोर्टेड इटालियन मार्बल लिविंग एरिया में डाइनिंग एरिया में यू गेट शैंडलर। आप शैंडलर भी देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है लाइट पिंक को चेंज कर सकते हैं। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टी नाउ। सो दिस प्रॉपर्टी इज एग्जैक्टली एट सेक्टर 57 नियर योर, अगर आप बात करते हैं मैंने आपको बालकनी से भी दिखा दिया, आपके जो है सेक्टर 57 का मेन हुडा पार्क है उसके बिल्कुल ही जस्ट 3 प्लॉट छोड़ते गाइज यू गेट दिस प्रॉपर्टी। आपका मार्केट की बात करते हैं योर होंगकोंग बाजार इज नियर सेक्टर 56 की, आपकी जो है हुडा मार्केट है वो पास में है, योर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन इज नियर, इवन योर गोल्फ कोर्स रोड इज नियर। सो यहाँ से अगर मैं सेक्टर 54 चौक गोल्फ कोर्स रोड पे जो मेट्रो स्टेशन है उसकी बात करता हूँ सो द डिस्टेंस इज हार्डली 5 to 6 मिनट। सो आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट के डिस्टेंस पे आप गोल्फ कोर्स रोड पहुँच जाते हैं। सो गाइज अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की प्राइस की बात करूँ सो द प्राइस इज 2.3 crore ऑफ दिस प्रॉपर्टी विच इज़ नेगोशियेबल। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी और यू आर लुकिंग फॉर एनी अदर काइंड ऑफ बिल्डअप फ्लोर इन ऑल DLF सिटी फेज 1, 2, 3, 4 इन सेक्टर 57, 48, 51 और एनी नियर बाई एरियाज सो यू कैन कॉल बिलो ऑन आर नंबर टू गेट द बेस्ट डील एट द बेस्ट टाइम एंड एट द बेस्ट प्राइस। सो गाइज आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। यू कैन सब्सक्राइब आर चैनल। थैंक्स, बाय।